महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के खटीकवाड़ा में स्थित कर्कटेश्वर महादेव 84 महादेवों में 22वें नंबर के महादेव हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार वृत्तकल्प में पहले धर्ममूर्ति नामक एक प्रतापी राजा था। उसने इंद्र की सहायता कर हजारों दैत्यों को मार दिया। उसकी भानुमती नाम की सुंदर पटरानी थी। उसने एक बार अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से पूछा कि महाराज, मेरे पास उत्तम लक्ष्मी और यश क्यों नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुम पूर्व जन्म में शूद्र जाति में उत्पन्न होकर राजा थे। दुष्कर्मों के कारण तुम्हें कई नरक भोगने पड़े। अंत में यमराज ने तुम्हें कर्कट अर्थात केकड़े की योनि में डाल दिया। तब तुम महाकाल वन में रुद्र सरोवर में रहने लगे। 5 वर्ष बाद एक कुआ तुम्हें उठाकर उड़ गया। तुमने उसके पैर को काट लिया। तब कोई ने तुम्हें छोड़ दिया। तब तुम स्वर्गद्वार के पूर्व में एक शिव मंदिर के परिसर में गिरकर मर गए। वहां मृत्यु होने से तुम्हें विद्याधर का रूप प्राप्त हुआ। विद्याधर बनकर जब तुम देवलोक को जा रहे थे तो देवताओं को आश्चर्य हुआ। तब उन्हें रुद्रगणों ने बताया कि तुम्हारी कर्कट योनि से मुक्ति कैसे हुई है। तब देवताओं ने इस लिंग का नाम कर्कटेश्वर रखा। स्वर्ग भोग कर तुम पुनः राजा हुए। वशिष्ठ से यह वृतांत सुनकर राजा ने पुनः कर्कटेश्वर की पूजा की और मृत्यु के उपरांत इस लिंग में पुनः प्रविष्ट हो गया। अष्टमी और चतुर्दशी को कर्कटेश्वर की पूजा करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।